गया को बिचारी को विदा कर दिया, वो सही है, मैं भी सुनाई दे रहा हूँ, आ रही है हमारे पास ये बात। और सुनील रेलिया करने का जो मामला चल रहा है, ये कोई पुनाना विधानसभा से सारे लोग इनके साथ नहीं है, ये लोग राजस्थान से आदमी को बुलाते हैं, अपना रास्ता पकड़ लिया है, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। रहा मसला ये कि नौजवान तबका, नौजवानों में बहुत अच्छा क्रेज हमारा चल रहा है, नौजवानों की जो नीति है उसे हम भली भांति समझ रहे हैं, और वो नौजवान अब की बार जो पुरानी रीति रिवाज हैं उन सबसे हटकर एक फैसला लेंगे, और वो फैसला ऐसा लेंगे कि यहाँ की जो अब तक की जो यहाँ की जो प्रॉब्लम रही, जो अब तक यहाँ परेशानियां रही, जो नेता लीडरों ने हमारे नौजवानों को और हमारे बुजुर्गों को एक कीड़े मकोड़ों की तरह देखा, उस चीज को बिल्कुल साफ करने का कार्य यहाँ के बुजुर्गों की दुआओं से और नौजवानों का साथ लगने से होगा। लोग करेंगे दया को विदा कर दिया, बताओ अलग बार ये ऐसा है, दया को बिचारी को विदा कर दिया, वो सही है, मैं भी सुनाई दे रहा हूँ, आ रही है हमारे पास ये बात और सुनने को मिल रही है, लेकिन अताउल्ला वो नहीं है कि जो ऐसे हवाओं से, ऐसी छोटी मोटी आंधियों से, ऐसे झकड़ों से, ऐसी बरसात से, ऐसे मेंढकी लोगों से और ऐसी हवाओं से भगने उड़ने वाला नहीं है। अताउल्ला अपने आप में एक बड़ा समंदर है, इंशाअल्लाह ताला अताउल्ला के साथ हजारों की तादाद में अताउल्ला लगे हुए हैं। मेरा नाम अताउल्ला है, अताउल्ला का जो कुरान हदीस का जो मतलब है, जो उसमें लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि खुदा का दिया हुआ तोहफा, मैं अल्लाह पाक में आप भेजा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जो काम मुझसे निकलवाएंगे मैं उस काम के लिए लगा हुआ हूँ। कांग्रेस बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में, लोग ये कह रहे हैं कि पुनहाना में जुबानी जंग ज्यादा हो रही है, बशर्ते कि मुद्दों पर बात हो, लेकिन उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। जी ऐसा है, यहाँ आप जुबानी जंग पर मत जाइए, आप सिर्फ यहाँ पे जाइए कि आप बाइक से अगर चल के आए हो तो मुझे आप ये बता दो आप कौन से रास्ते से चल के आए, वहां बड़े बड़े गड्ढे, वहां हालात खराब, यहाँ कॉलेज उसकी बात करें लीडर, यहाँ के जो स्कूल हैं उनके टीचरों की बात करें, यहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी बात नहीं करी किसी लीडर ने। आज तक ये लोग लीडरी करते आए, मगर कहाँ गया इनका विकास, कौन लेके उठ गया? विपक्ष में थे वो लोग, कह रहे हैं कि अब विपक्ष आ गया इन लोगों का तो क्या करोगे, अगर अभी भी इनका पक्ष नहीं आया तो क्या गारंटी है तुम्हारे पास, अब मुझे ये बता दो ये क्या गारंटी करते हैं कि अब पक्ष आ जाएगा, क्या इनको फिर दलदल में डालना चाहते हो, क्या इनको और नीचे बबराना चाहते हो, इस इलाके के जो हौसले हैं उनको तोड़ना चाहते हो? नहीं, इस इलाके के, इस मेवात के नौजवान के जो हौसले हैं उनको हम बिल्कुल टूटने नहीं देंगे, हौसलों को बरकरार रखना है और उनको मजबूती प्रदान करनी है। और ये लोग जो यहाँ सत्ताधारी बने हुए हैं, जो बारी बारी से अपना अपना जो है काम करने का काम कर रहे हैं, ये लोग आप हम सबके हमदर्द नहीं हो सकते, क्यों ये लोग वो लोग हैं जो आकाश में उड़ने वाली गिजा होती है, गिजा गिज समझते हो, गिज जो चील होती है बड़ी, जो आकाश में सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पर उड़ती है, लेकिन उसकी नजर कहाँ रहती है ये जानते हो? उसकी नजर करक पे रहती है, नीचे करक, करकवाड़ियों में करक रहता है ना, ऊपर उड़ने वाली चील की नजर करक पे होती है, जैसे ही उसको करक में करक नजर आता है तो तुरंत वो उसको नोचने के लिए, खाने के लिए जमीन पर आती है। ठीक है, ये वो गिजे हैं, ये वो चील हैं, ये वो सौदे हैं। तो ये जनता हमें अवेयर करानी है, इस जनता को हमें अपना मैसेज देना है कि आप लोग इनके मुंह ना लगे, ये आप लोगों के पार्टों को नोच नोच के खा जाएंगे, आप लोगों के खून पसीने की जो कमी हुई इज्जत और सम्मान है ये उसको मिट्टी में मिला देंगे, आप लोगों के लिए बात नहीं कर सकते, आपके मुद्दों पे बात ये नहीं कर सकते, ना इनके पास कोई मुद्दे हैं। आज तक कौन से लीडर ने ये बताया कि हमने वो विकास करा, वो काम करा, ये विकास में बात करें क्यों नहीं करते? आपकी पार्टी और आपकी आपका व्यक्तिगत कोई मैनिफेस्टो, पार्टी का मैनिफेस्टो कोई आया कि अगर यहाँ से आपको चुनकर भेजती है जनता तो क्या कुछ रहेगा जनता के लिए? जनता के लिए इतना कुछ रहेगा कि हम जो है हम एक जनता का हिस्सा है,
हम जनता का हिस्सा हैं, हम धरती से उठे हैं, हम लोगों ने रेल भी देखी है, जेल भी देखी है, हमने अगर अपनी जनता के मान सम्मान और लड़ाइयों के लिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे हवालातों के लॉकर्स देखे, ठीक है, हम वहाँ रहे हैं, कई कई महीने बिताए, लेकिन वो मैंने कोई 376 के मुकदमे के लिए नहीं, वो कोई चोरी का मुकदमा नहीं, वो कोई किसी का ऐसा नहीं कि किसी का हमने कोई लूट की हो, हमारा सिर्फ और सिर्फ पर्पज था कि हम विवाद के लिए कुछ अच्छी दिशा दें। प्रशासन ने सौतेला व्यवहार कर करके हमारे लोगों को हमको परेशान किया, हम लोगों को लूटा, किस तरह लूटा, हमारी गाड़ियों को जब्त कर लिया, हम लोगों ने जुनैद नासिर हत्याकांड में काम किया, हमने बड़ी बड़ी धरनाएं धरी, हमने लड़ाइयां लड़ी, हमारे और भी कामों के साथी थे। चुनाव उरूज पर है नेताजी, सभी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, आपका कोई प्लान है कब की कोई एक बड़ी जनसभा होने वाली है कभी? इनकी जो बड़ी बड़ी रैलियां करने का जो मामला चल रहा है, ये कोई पुनाना विधानसभा से सारे लोग इनके साथ नहीं है, ये लोग राजस्थान से आदमियों को बुलाते हैं, ये पैसों में लोगों को बुलाते हैं, इनकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो जीरो बोल रही है। आप ऐसा करो, इन दोनों तीनों कैंडिडेटों को भी आप रोड पे उतारे और मुझे भी रोड पे उतारे, मुझे भी अकेले गांव में भेजो, इनको भी अकेले गांव में भेजो, जनता किसके साथ लगती है, प्रमाण पत्र सामने आ जाएगा। मैं ये हा हल्ला नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं लोकप्रियता से चुनाव लड़ूं, मैं इज्जत और सम्मान से चुनाव लड़ूं, और चुनाव लड़ने का जो तरीका है मैं उस तरीके से चुनाव लड़ूं। मेरी हरी भरी जो फुलवाड़ी है, जो बगीचा है, जो ये सुगंधित एक महक है, मैं इसको बरकरार रखना चाहता हूँ, मैं उनसे रूबरू घर जाके मिलना चाहता हूँ, और मैं जितने भी मेरे इलाके में मेरे इस विधानसभा में गांव है, मैं गांव गांव का दौरा कर रहा हूँ, मैं अब से कम 60-70% दौरा कर चुका हूँ, 10-20% जो लोग बच रहे हैं मैं उनसे भी बिल्कुल रूबरू मिल रहा हूँ, समझना ना समझना उनके हाथ है, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि मेरे लोग मेरी बात को मेरी पीड़ा को समझेंगे, मैं निजी स्वार्थ के लिए नहीं घूम रहा हूँ, मैं यहाँ बदलाव करना चाहता हूँ, मेरा पर्पज ये है कि यहाँ बदलाव हो, यहाँ की जनता समझे, और यहाँ के नौजवान करीब करीब 90% समझ चुके हैं, वो लोग बिल्कुल हमको इग्नोर नहीं कर सकते, हमने पूर्ण रूप से भरोसा है, हमने दिल से भरोसा है, और हमने उन लोगों ने हमारा दिल जीत लिया और हमने उन लोगों का दिल जीत लिया है, हमारे मन में हमारे खून में हमेशा चलता है तो नौजवान का भविष्य चलता है, छोटे बच्चों की जनरेशन जो यहाँ है उनका आगे क्या होगा उनके लिए चलता है, अगर हम ऐसे स्वार्थी और लालची होते तो हम वहां से वहां जेल में नहीं जाते, हम चाहते तो हमने उन सत्ताधारियों को टेंट उखाड़ा जिन सत्ताधारियों को राज था, हमने उस गहलोत सरकार का मुकाबला किया जो गहलोत सरकार में राज में थी, राजकाज में मुकाबला किया, वो कोई छुपाने वाली बात नहीं है, आप सब जानते हो, सब यूट्यूबर हो, सब पत्रकारों को पता है, सारी दुनिया को पता है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, ये संदेश देना चाहता हूँ, पहचान तो करनी होगी, जरूर करनी होगी, और यहाँ का नौजवान पहचान कर चुका है, यहाँ का नौजवान इनका फर्जीवाड़ा पहचान चुका है, आप ये क्या करेंगे, ढोंग करेंगे, कोई हॉस्पिटल जाएगा, कोई हाथ बांधेगा, कोई पैर बांधेगा, कोई कुछ और ढोंग करेगा, अभी ढोंग कला कुछ बचेगा नहीं, ठीक है, तो मैं यही आपको संदेश देना चाहता हूँ। अभी क्या है कि अपने मंत्री जी लियासी सुन रहा हूँ हॉस्पिटल गए, देखो बुजुर्ग है मैं मानता हूँ तो बीमारी हो भी गई हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वोट में उसको ट्रांसलेशन करें, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, बीमार तो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है, लेकिन वोट में ट्रांसलेशन उस चीज का नहीं हो सकता, बीमार आप चुनाव के दौरान हो सकते हो, तो अल्लाह की तरफ से आती है बीमारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें वोट में ट्रांसलेशन वो नहीं, जनता का ये बिल्कुल फैक्ट फैसला है कि किसी भी बहाने से किसी भी ढोंग करने से जनता यहाँ वोट डिसाइड नहीं करेगी इस तरीके से।